नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शनिदेव के वक्री होने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव 29 जून की मध्य रात्रि 12:35 पे वक्र होने जा रहे हैं, अपनी मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर उनका संचरण वक्री अवस्था में 15 नवंबर 2024 तक रहेगा और इसके पश्चात शनिदेव पुनः कुंभ राशि में ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये वक्र काल बेहद महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि दो ही ग्रह ऐसे हैं, एक है शनि, दूसरे हैं बृहस्पति, जिनका गोचर विशेष विचारणीय होता है। आप किसी भी लग्न राशि के क्यों ना हो, शनिदेव का वक्र काल विशेष विचारणीय है, देव गुरु बृहस्पति का वक्र काल विशेष विचारणीय है। क्यों? पहले ये समझिए कि वक्री होता क्या है, किसको कहते हैं वक्री। देखिए, जब कोई ग्रह अपनी गति से चलते हुए तेज गति से चलने लगता है और जब उसके परिक्रमा मार्ग में, जब भाई सूर्य के सब ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, 9 ग्रह हैं, 9 सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, 9वां ग्रह सूर्य है। तो जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए कोई ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से होके गुजरता है, तो ऐसी प्रतीति, ऐसा आभास हमको धरती से देखने पे होता है कि जिस ग्रह की चर्चा हो रही है, जो ग्रह नजदीक से गुजर रहा है, वो बहुत तेज गति से चल रहा है। असल में ऐसा होता नहीं है, वो चलता अपनी ही गति से है, लेकिन जब वो धरती के बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो धरती से देखने में ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह बहुत तेज चल रहा है। जैसे कभी आपने अगर इस चीज को ध्यान दिया हो कि पंखा जब चलता है, तो पंखा जब बहुत स्पीड में चलता है तो ऐसा लगता है कि रिवर्स हो रहा है, उल्टा चल रहा है। असल में वो उल्टा नहीं चल रहा, वो अपनी धुरी पे ही घूम रहा है, लेकिन हम लोगों को चूंकि देखने से ऐसी प्रतीति, ऐसा आभास होता है कि वो पंखा उल्टी तरफ घूम रहा है। या कभी आपने किसी कार को बहुत तेज गति से जाते हुए देखा हो, तो आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि उसके जो टायर है, उसके जो अलाई व्हील्स होते हैं, वो उल्टी गति में घूम रहे हैं, उल्टी तरफ घूम रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, कार अपनी रेखा पर ही जा रही है, अपनी जिस ओर उसको जाना है उसी ओर जा रही है, लेकिन उसके टायरों की स्पीड इतनी तेज है कि वो उल्टी गति में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये होता है वक्री ग्रह। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र है दृष्टि विज्ञान, जो दिखता है उस पर आधारित। अब जब हम किसी को ग्रह को देख रहे हैं जो धरती के बिल्कुल नजदीक है और बहुत तेज गति से घूम रहा है, तो धरती से देखने पे ऐसी प्रतीति, ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह जो है आगे जाने की बजाय पीछे आ रहा है, जिसको बोलते हैं वक्री, रेट्रोग्रेड। असल में वो ग्रह पीछे नहीं आ रहा होता है, वो अपनी धुरी पे अपनी जगह पर ही है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि वो ग्रह पीछे आ रहा है, जिसको बोलते हैं वक्री। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें, तो वर्तमान समय में शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर शनि अत्यंत बली होते हैं। अब उस अवस्था में जब शनिदेव वक्री होंगे, रेट्रोग्रेट होंगे, तो उनके बल में वृद्धि हो जाएगी, उनका बल बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, शनिदेव वक्री होने के साथ जिस राशि पर, यानी कि कुंभ में बैठे, वहां का तो वो फल दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी एक घर पीछे, यानी कि मकर राशि का प्रभाव भी देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ, चूंकि ग्रह तो कभी पीछे आता नहीं है, वो आगे की तरफ ही चल रहा है, तो वो मीन का भी प्रभाव दे रहे, कुंभ का भी दे रहे और मकर का भी दे रहे। तो इस तरीके से वो तीन राशियों को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, मकर का प्रभाव देने की वजह से, कुंभ में वो बैठे और मीन का प्रभाव देने की वजह से, तीन राशियां तो ऐसे प्रभावित हो गई। और कुंभ में बैठकर उनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं, तीसरी दृष्टि जो उनकी पड़ रही है वो मेष राशि पर पड़ रही है, नीच राशि पर, तो चौथा घर वो हो गया। उसके बाद कुंभ में बैठे हुए हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि वो डाल रहे हैं सिंह राशि पर, तो पांचवी राशि वो हो गई। और दसवीं दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, वर्तमान समय की स्थिति को अगर हम देखें, तो दसवीं दृष्टि उनकी पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, दसवीं दृष्टि उनकी पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, तो मंगल वृश्चिक राशि को भी प्रभावित किया। तो वक्री होने से जहां वो तीन राशियों को पहले प्रभावित कर रहे थे, अब वो 6 राशियों को प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों,
शनिदेव से जुड़ी हुई दो चीजें मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि शनिदेव जिस समय वक्री होंगे उस समय पे दो चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, समझना है। पहला ये देखिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या सही में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी आपकी जो जन्मांक चक्र है उस जन्मांक चक्र में शनिदेव क्या वक्र अवस्था में है, पहले तो इसको देखिए। अगर वक्र अवस्था में है तो किस राशि में है, कुंभ में अगर बैठे हैं तो प्रभाव बदल जाएंगे, मेष में बैठे हैं तो प्रभाव बदल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध किसी भी तरीके से चंद्रमा से बन रहा है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है या शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है, तो इस अवस्था में ये वक्री काल आपके लिए विचारणीय हो जाएगा। देखिए शनिदेव जो होते हैं ना, ये वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के लिए शनिदेव समर्थन देते हैं, उनके लिए ये सपोर्टिंग प्लेनेट है। और मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए शनिदेव समर्थन नहीं देते, उनके लिए ये एंटी प्लेनेट है, सपोर्टिंग प्लेनेट यानी कि सकारात्मक ग्रह नहीं है, उनके लिए नकारात्मक ग्रह। अब ऐसी अवस्था में जिन राशियों के लिए मैंने नकारात्मक कहा है उन कुंडलियों में अगर शनि और चंद्रमा की युति है तो फिर आपको कष्ट से कोई बचा नहीं सकता, कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। और जिन राशियों के लिए मैंने कहा है कि शनिदेव यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वृषभ इत्यादि राशियों के लिए, अगर वहां भी शनि चंद्रमा की युति है तो संभवतः धन लाभ तो आपको हो जाएगा लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी से आपको भी जूझना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, 139 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण करेंगे। 29 जून की मध्य रात्रि 12:35 से 30 तारीख लग जाएगी तब से लगा करके और 15 नवंबर 2024 को शाम तक। अब अलग अलग राशियों पर, मेष से लेके मीन राशि पर्यंत, प्रत्येक राशि पर इस ग्रह का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वक्र काल का कैसा प्रभाव पड़ेगा शनिदेव का, आइए समझते। देखिए अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में वर्तमान समय में शनिदेव एकादश भाव लाभ भाव से संचरण कर रहे हैं। अब वो लाभ का फल तो दे ही रहे हैं, वक्र होने की वजह से वो दशम भाव का भी फल देंगे और आगे चूंकि बढ़ रहे थे तो वो मीन राशि यानी कि 12वें भाव का भी फल देंगे। होगा क्या, धन लाभ के एक से ज्यादा रास्ते आपके लिए बनेंगे, धन लाभ प्रचुर मात्रा में आपको होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, करियर में कोई बदलाव भी देखने को मिल सकता है, करियर आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, करियर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, ये संभावनाएं भी आपके लिए बन रही है। लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत ना आए इस चीज का ध्यान देना है, संतान पक्ष की तरफ से कोई समस्या ना हो इस चीज का ध्यान देना है, पेट में कोई दिक्कत आपके ना परेशान करे, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम या लिवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखना है। एक चीज बहुत अच्छी है, आयु में वृद्धि कब होगी, जब रोग शत्रु रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, तो शनिदेव जी इस गोचर काल के दौरान आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस गोचर काल के दौरान शनिदेव आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, वहां पे कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। व्यर्थ की यात्राओं से बचिए, बेवजह अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ मत कीजिए, लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उपाय के रूप में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर शनिदेव जी को काउंटर करना है तो हनुमान जी के पैर पकड़िए, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। ऐसा करने से शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। समस्या अगर आपकी ज्यादा बढ़ जाए उस अवस्था में रोज शाम को 108 बार, किसी भी शनिवार से शुरू कर लीजिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सहसने शराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, समस्याओं से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, देखिए वृषभ के लिए वर्तमान समय में शनिदेव दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब दशम भाव से शनिदेव का गोचर षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दशम भाव के शनि को कंटक शनि भी कहा गया है। कारण क्या है, उनकी सातवीं दृष्टि और उनकी दसवीं दृष्टि, सातवीं पड़ेगी चौथे घर माता के घर पे और दसवीं पड़ेगी दाम्पत्य जीवन पे, तो यहाँ पे वो उतार चढ़ाव उठा पटक ले आते हैं, तो इसलिए इनको कंटक कहा गया। अब जब शनिदेव दशम भाव से गोचर कर रहे हैं तो वो आपके नवम भाव भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ
आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो धन लाभ के तो प्रबल योग आपके लिए बनेंगे, बहुत अच्छी स्थिति धन लाभ के योग है इस समय आपके लिए, ये अकाट सत्य है। अब बात कहां पे आएगी, दिक्कत आएगी माता के स्वास्थ्य में, हो सकता है थोड़ा बहुत उधार चढ़ाव माता के स्वास्थ्य में देखना पड़े, हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखना पड़े, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत परेशान कर सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, कार्यों में आपकी देरी हो सकती है, डीले हो सकता है, लेकिन घबराइएगा मत। अगर आपकी व्यक्तिगत वृषभ राशि के जितने भी जातक है जो मेरा वीडियो इसको देख रहे हैं, अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की किसी स्थिति एक समान नहीं बन रही है, किसी भी तरह से शनि अगर चंद्रमा से संबंध नहीं बना रहे, तो जितनी बातें मैंने समस्या के रूप में बताई है वो कम हो जाएंगी और जितनी बातें मैंने लाभ के रूप में बताई है वो सभी बढ़ जाएंगी। अचल संपत्ति का लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का दर्शन, सुंदरकांड का पाठ, ओम ब्राह्म प्रीम ब्रह्म शासनश्च राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप, आप समस्याओं से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए शनिदेव का संचरण इस समय भाग्य भाव में हो रहा है। अब वक्री होने से शनिदेव भाग्य का फल तो दे ही रहे हैं, अष्टम भाव का फल भी देंगे और दशम भाव का फल भी देंगे। दशम भाव का फल देने की वजह से काफी हद तक आपके करियर में मजबूती आएगी, करियर में चली आ रही समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होती हुई चली जाएंगी, लेकिन पिता का स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना है, आपको बेवजह चोट चपेट ना लगे इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। मान सम्मान भाग्य में आपकी वृद्धि है, इसमें कहीं कोई दो मत है, सकारात्मक परिणाम सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। दिक्कत आ रही है आपको सफलता में, आलस उत्पन्न होगा, आलस से बचिएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रोग शत्रु और ऋण, अगर आप इनसे परेशान थे तो यहां आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी, राहत मिलती हुई चली जाएगी, यह समय यह काल आपके लिए बढ़िया है। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरण में रहिएगा, शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, मुसीबतों से बचे रहे। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के लिए वैसे ही ढैया का समय चल रहा है, शनि की ढैया उनको चल रही है, ऊपर से शनिदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, अब वक्री होने पे वो भाग्य का फल भी देंगे और सप्तम भाव का फल भी देंगे, तो चूंकि वो सप्तम भाव का फल देंगे तो सप्तम भाव का फल देने की वजह से जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां थोड़ा बहुत मतभेद दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएंगे, धन हानि की संभावनाएं बनेगी, धन संचय नहीं हो पाएगा, आगमन होगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन संचय होने में समस्याएं आ रही हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हालांकि एक चीज और अच्छी है कि भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए जब तक शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं तब तक तो कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो राहु के नक्षत्र शतभिका में प्रवेश करेंगे उस समय पे आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है तो यकीन जानिए जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं वो कम करके आएंगी, समस्याएं ना के बराबर आएंगी। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिएगा, शनि मंत्र का जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। सिंह राशि, देखिए सिंह के लिए वैसे तो समय अच्छा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अगर आप अभी तक किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से शरीर के दर्द से जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, जीवन साथी की उन्नति होगी, जीवन साथी को उनके करियर में सफलता मिलेगी, आपके लिए लाभ के रास्ते बनेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, तो ये चीजें आपके पक्ष में, लेकिन आपको इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, खास तौर पे उनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान ना करे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिएगा, शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, चीजें आपके पूरी तरह से पक्ष में आ जाएंगी। कन्या राशि, कन्या राशि के सभी जातकों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अब उनका जो वक्री काल होगा उस अवस्था में शनिदेव षष्ठ भाव का तो फल दे ही रहे, सप्तम का भी फल देंगे और पंचम का भी फल देंगे, तो पंचम का फल देने की वजह से संतान पक्ष की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। संतान से अलगाव हो सकता है, संतान से दूरी हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, इस तरह की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने का प्रभाव देने के कारण जीवन साथी से वैचारिक मतभेद यानी कि मन मुटाव ऐसी स्थिति बन सकती है,
तो थोड़ा सा यहाँ सचेत हो जाइए। बाकी आपके अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, रुके हुए काम आपको पूरे होंगे, धन आपका कहीं फंस गया था वो प्राप्त होता हुआ चला जाए। हनुमान जी की शरण में अगर रहेंगे तो किसी भी तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे, वहां आप समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो वक्र काल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका पूरा लाभ उठाइए। हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, शनि मंत्र का जप करते रहिएगा, ये सिद्धियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी। तुला राशि, देखिए तुला के लिए वैसे ही बहुत कष्टदायी समय चल रहा है, शनिदेव राशि से पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुला वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो कई जगहों से टूटे हुए हैं, न लाभ उनको मिल पा रहा है, दाम्पत्य जीवन भी उनका ऐसे ही चल रहा है उल्टा सीधा, और धन संचय भी नहीं हो पा रहा, मतलब कई तरह से उनको नाना प्रकार की समस्याएं परेशान कर रही हैं। तो तुला वालों के लिए बस मैं यही कहूंगा, शनिदेव का वक्रकाल थोड़ा सा आपके लिए राहत लेकर गया। राहत आपके लिए इस बात की शनिदेव ला रहे हैं कि जो आपके काम रुक रहे थे, जो लाभ के रोड़े अटक रहे थे, होते होते काम रह जा रहा था, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। चीजें धीमे धीमे करके बेहतर होंगी, जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। 15 नवंबर तक स्थितियां आपके लिए काफी हद तक ठीक रहेगी, थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन आपको हनुमान जी की शरणागति नहीं छोड़नी है, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। अगर आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना बंद मत करिएगा, शनिदेव जी के मंत्र का जप ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप बंद मत करिएगा, स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, निश्चित तौर पे आएंगी। थोड़ा सा समय और बचा है, काट लीजिए, उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसलिए तुला वाले निराश ना हो, परेशान ना हो, ये स्थितियां उनके पक्ष में आती हुई चली जाएंगी। वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव हालांकि सश महापुरुष योग बना रहे, चौथे घर से संचरण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वृश्चिक के लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं शनिदेव, और दूसरी चीज शनि की ढैया से आप पहले ही जूझ रहे हो, तो इस अवस्था में, इस परिस्थिति में आपके लिए मुसीबतें और समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपके घर में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य जरूर होगा, क्योंकि शनिदेव भाव की वृद्धि करते हैं और क्षेत्र के कारक हैं, तो चौथे घर में बैठेंगे तो क्षेत्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। चौथा घर किस चीज का होता है? भूमि, भवन, वाहन, आपका घर, स्व उपार्जित धन, आपकी माता का घर। तो माता का घर होने की वजह से माता के स्वास्थ्य में जो कमी आ गई थी वो ये दूर करेंगे, स्थितियों को ये पक्ष में लाएंगे, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराएंगे क्योंकि ये बलि अवस्था में। साथ ही साथ घर में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य होते हुए दिखाई देंगे, रोग शत्रु और ऋण से आपकी मुक्ति कराएंगे। कार्य क्षेत्र में, हाँ जरूर इस चीज का ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्र में अपनी लापरवाही मत करिएगा, वरना इसके लिए स्थितियां आपकी बिगड़ सकती हैं। तो कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय पे आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, तो क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचिए, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, शनिदेव जी के मंत्र का जप ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करिएगा, आपको लाभ। धनु राशि, देखिए धनु के लिए शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव से संचरण कर रहे हैं। अब तीसरे के शनि होने की वजह से भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से आपको दूर रहना है, संतान पक्ष से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, प्रेम संबंधों में खटास या मतभेद आ सकता है, पेट की समस्याओं का ध्यान रखिएगा, करियर आपके लिए ठीक बना हुआ है, पैसे रुपए की कोई चिंता नहीं रहेगी, धन आएगा, धन टिकेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मेरी एक बात को, शनिदेव जी कुंडली में चाहे जितने कारक हो ये रिश्तों से विच्छेद कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्रदान कर देंगे लेकिन रिश्ते आपके तोड़ देंगे। तो रिश्तों के मामले में वृश्चिक राशि धनु राशि वालों को माफ करें, विशेष सावधानी बरतनी है। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, शनि मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रेश्वराय नमः, स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। मकर राशि, मकर के लिए शनिदेव की अंतिम साढ़े साथी की अंतिम ढैया चल रही, मकर के लिए साढ़े साथी चल रही जो कि अंत में है, उतर रही है, आपको विशेष सावधान रहना है। दो लगा के 20 कमाने के चक्कर में पड़ेंगे, दो भी जाएगा 20 भी जाएगा, सावधान रहिए, पहली बात। दूसरी बात, माता के साथ मतभेद ना हो, माता के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, घर में बेवजह की कलह ना हो जो कि आपकी वजह से दिख रही है, क्योंकि वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए। हालांकि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए लग्न का फल दे रहे हैं, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका व्यक्तित्व में ज्ञान और निखार जो आया हुआ है उसकी वजह से चीजें आपकी बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन शनिदेव का अपना स्वतंत्र प्रभाव है, तो
तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। धन लाभ आपको होगा, आयु में आपकी वृद्धि होगी, रोग शत्रु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, लाभ के एक से ज्यादा रास्ते खुलेंगे, पैसा आएगा, पैसा टिकेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी वाणी की वजह से बने बनाए रिश्ते मत बिगाड़ लीजिएगा, इसमें आप समस्या में पड़ जाएंगे। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का दर्शन, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए, स्थितियां आपके नियंत्रण में बनी रहे। कुंभ राशि, कुंभ राशि पर ही शनि का संचरण हो रहा है और यही शनि वक्री हो रहे हैं। अब जब कुंभ राशि में वक्री होंगे तो ये मकर का भी फल देंगे यानी कि व्यय भाव का, और मीन का भी फल देंगे यानी कि धन भाव का। अब जब दो भावों को ही प्रभावित करने लगेंगे तो होगा क्या, देखिए चीजें आपकी डिले हो रही थी और वो होंगी, उससे आप नहीं बच सकते, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। और खर्चे बढ़ेंगे किसके ऊपर, तो खुद के ऊपर, क्योंकि लग्नेश जो है वो व्यय का फल दे रहे हैं, तो खुद के ही अब अपने परिवार के ऊपर जो है आपके खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको धन का लाभ भी होगा, क्योंकि शनि तो दूसरे भाव धन भाव का भी फल दे रहे हैं, तो धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं इस गोचर काल के दौरान, इसको मान लीजिए। पैसा आएगा, पैसा टिकेगा नहीं। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, मेहनत आप खूब करेंगे, जिसकी वजह से आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य जागृत होगा तो लाभ जागृत होगा। पैसे रुपए लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी है, दिक्कत आपकी आ रही है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, वहां ध्यान दीजिए। और बेवजह का क्रोध, बेवजह की वाणी में कड़वाहट मत पैदा करिए, धीरे धीरे करके स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें, साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन की बात करें तो देखिए मीन राशि के लिए 12वें भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो अब इस समय पर क्या होगा, शनिदेव लाभ का फल भी देंगे और लग्न यानी राशि का फल भी देंगे, और कुंभ में बैठे हुए हैं तो देखिए खर्चे आपके बढ़ेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन आपको करियर में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपके पक्ष में जाएगा, ये अच्छी बात है। लाभ के रास्ते आपके लिए बनेंगे, पैसा आएगा टिकेगा हालांकि नहीं, लेकिन इतनी मात्रा में आएगा कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, सारे काम आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। संतान पक्ष से कोई समस्या ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पेट में आपकी कोई दिक्कत ना परेशान करे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और पिता के साथ संबंधों में मजबूती रखिएगा, पिता के साथ संबंधों में एका रखिएगा। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ऐसा करने से शनिदेव जी का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का विषय आपको समझ आएगा, आपकी ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करेगा। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।